हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्टीफ टॉक्स ब्लॉग। मारो खाना खा लियो, सुबह सुबह खा रही है मारा खाना, क्या कर लियो, खा ले बेटा। मिश्का आपने खा लिया ना, फिर भी आप देख रहे हो। मिश्का खाना खा लेती है, उसके बाद भी दूसरे के बर्तनों में देखती है। दिवाली का त्यौहार ना, लोगों का मज़ा होता है और इन्जॉय करते हैं, पर इस एनिमल्स के लिए, कबूतरों के लिए या फिर बर्ड्स के लिए बहुत ही महंगा पड़ता है। इस टाइम हमारे एरिया के तो एक दो डॉग घायल हो रखे हैं, सोनी घायल हो रखे पटाखों से, और एरिया में भी डॉग्स के बहुत केस आ रखे हैं, बहुत घायल हैं। कम से कम 10-15 कबूतर तो मैंने अपने रोड पे देखे हैं, जो हमने उठवाए हैं सुबह मरे हुए। आप लोग ये देखते नहीं हो कि पॉल्यूशन होता है। हर त्यौहार को मनाने का तरीका होता है, हर धर्मों में त्यौहार मनाए जाते हैं, हर धर्मों के त्यौहारों में। मैं बस यही कहती हूँ कि प्लीज़ पटाखे किसी भी चीज़ों में अलाउ नहीं होता, ये तो हम लोगों ने अपने इन्जॉय के लिए करा है। प्लीज़ पटाखे ना जलाए, पटाखे एनिमल्स को बहुत हर्ट करते हैं। अभी मैं विश्वास नहीं करोगे, मैं डेली इन बच्चों को ही बचाने में लगी हूँ, उनकी हेल्प करने में लगी हूँ। उनकी इतने केस आ रहे स्ट्रीट पर। उसी गली का डॉग आया था सोनी, उसको भगा के आई है, पर आप दोनों यहाँ पर देखो कितने आराम से खेल रहे। इन दोनों में ना प्यार बहुत है, तो उसको भगा के आएगी जो गली का कुत्ता, ये ना काट देता है, काटता ही है मैं इसको बहुत बुरी तरीके से, इसलिए उसको भगा के आई है। क्योंकि इसलिए भगा रही हूँ, उस मोटी वाली मेरी डॉग पे सोनी को परेशान कर रहा था। अभी इस लाल टी शर्ट वाले ने उसमें पानी डाला है, डॉग पे पानी डाला है। सोनी वगैरह उधर गई है उसे भगाने के लिए। ये एक दूसरा गली का भी आ गया उसको बचाने के लिए, काले डॉग को, क्योंकि एकता तो अपने अपने एरिया में होती है ना। सब में सोनी आ गई हो रही है, और रीनी भी आ रही है। देखो आगे सारे के सारे अपने अपने एरिया में आ गए हैं। सोनी वापस है इसको भगाने के लिए। सुबह सुबह का नज़ारा है हमारे यहाँ का, देखे सारे डॉग इकट्ठे हो रखे हैं। लेकर आती है सोनी को ये आराम से, देखो ये बैठ गई है तो लेके आ रही है कि चल क्या हुआ। ये देख गाड़ी के पीछे भी छुपी है, पर डॉग की ना आवाज़ आ रही थी। मिश्का देख रही है कौन भौंक रहा है, कौन है बेटा, देखो देखो कौन है, देख कोई डॉग आया बेटा। सोनी रीनी देखो देखो, नहीं वहाँ पानी नहीं पीना, नो ना वहाँ पानी नहीं पीना गंदा, देखो खड़ी है जिनी, वो देखो पता नहीं किसके लिए भौंक किया। अच्छा उधर कालू भी आया हुआ है, कालू देखो, कालू वो खाना खाने के बाद घूमने आया हुआ, देखो हाँ चलो आ जाओ आ जाओ, हाँ भगा दी मैंने, भगा दिया जो आओ, भगा दिया मैंने दूसरे डॉग को बेटा, चलो इधर दोनों बैठ गए चलो। अभी दिल्ली से भी ना एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, अगर आप अपने पेट को पालते हैं तो प्लीज़ उसे अकेला कहीं भी ना छोड़ के जाएं, खास तौर पर बोर्डिंग में ना डाल के जाएं। और अगर एक बंदे को आप घर में हमेशा ऐसी व्यवस्था करें कि अपने घर का एक बंदा आप रख के जाएं। दिल्ली के अभी एक बोर्डिंग से आई है एक बुजुर्ग दंपति, जो अपने बेटे से मिलने कहीं बाहर गए थे तो उन्होंने बोर्डिंग में डाला, जिससे कि बाद में वहाँ मालिक ने बताया बोर्डिंग के कि आपका डॉग भाग गया है। बाद में जब इस केस की इंक्वायरी की गई तो पता चला उनके डॉग के संग बहुत दुर्व्यवहार किया गया था, उसको बाइक के साथ बांध के रगड़ के जब तक खींच के ले जाया गया जब तक कि बच्चा मरा। और ऐसी करने वालों के खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? बुजुर्ग दंपति को नहीं पता था कि वो उनकी उस बच्चे के साथ आखिरी मुलाकात है। तो मैं यही हमेशा कहती हूँ, ये इतने सुंदर प्यारे बच्चे हैं, अगर आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो प्लीज़ किसी के भरोसे इनको ना छोड़ के जाएं।
कि बताते हुए मुझे अजीब सा हो रहा है। मैं हमारे घर की ये हालत हो रही है, जैसे ये न्यूज़ मेरे पास आई है मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने सभी फ्रेंड्स यूट्यूब फैमिली को शेयर करूँ, ताकि वो अगर अपने कभी बच्चे को छोड़ के जाने की कोशिश भी कर रहे हो तो प्लीज़ बोर्डिंग में ना छोड़ के जाएँ। मिश्का अपना खाना खा चुकी है, उसकी खुजली करी है। मायरा ने अपना खाना थोड़ा सा ले रखा है, वैसे तो रात को खाती है। देखो मिश्के खा लो, खा लो, खा लो, खा। दोनों का प्यार बहुत है। खा लो, खा लो, दिख रही है। चोट कितनी बड़ी लगी है देखो, और ये दवाई ना लगाने नहीं देती, तो खिलाने की देगी तो खिला ले, जिसका जख्म बढ़ जाएगा। देखो गाड़ी के नीचे बैठी है, देखो खा रहा, उसको खाने दे, खा ले, खा लो, 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 खा ले। पीला पीला पूरा खत्म कर इसको, अब पी ना जल्दी, इतना डरेगी तो हो गया मैं वहां, इतना थोड़ी ना डरते हैं बेटा। दिख रही है, दूध पी ले, पी ले, पियो जल्दी पियो, ये बैठी दूध पी रही। कहाँ खाना तेरा, उसके नीचे से ले देना बेटा, ऐसे दिखती नहीं है, दुकान नहीं जाता तो ऐसे ही दिखती है। चल पी ले, न्यू डॉग भी आ गया जो मेरे यहाँ सेटल हो गए। अगर लड़ी ना, लड़ी ना उससे फिर मैं तेरे को पीटूंगी, पिट्टी पिट्टी कर देगी मम्मा, पिट्टी पिट्टी, पता है ना तो मम्मी नहीं पिट्टी, चलो नहीं करते ऐसे लड़ाई, आराम से खा लो, तुम भी खा लो। ये डॉग मेरे पास ही रहता है। अबे यार कौन है ये? ये डॉग ना मेरे पास ही रहता है यहाँ पर, और कोई लोग कहते हैं ना कि भाई ये नहीं रहता, ये मेरे पास ही आ रहता है। ये देखो मेरी बैठने की सोनी रहने की जगह, सोनी और इसमें थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई, पर खाने के मामले में तो आपको पता है कभी भी ये लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं। सोनी पी लिया है, कौन है यार ये बेटा, कौन है? वहां के पटाखे बजा रहे, अभी यहाँ पर बचपन बच्चे पटाखे बजाते बंद करे, पटाखे जला रहे थे। खालो, राम राम भैया, खालो, खाओ खाओ, खा रहे, खा लो, खा ले, डर मत, खा ले, खा ले, खा ले, खाओ खाओ, क्या हुआ, खा ले, खा, खा ले, खा ले, खा ले, जा खा ले, जा जा खा ले, खाओ खाओ, खा ले, खा ले, डरना नहीं है, खाओ खाओ, खा ले, खा, खा ले, खा ले, जा खा ले। खाओ खाओ जल्दी खाओ, ये वो पालतू डॉग है जो सबका खाना, बेटा मत पटाखे जलाओ, ये बच्चे डरते हैं ना इसलिए, हम इसलिए मना करते हैं, इनके कान खराब हो जाते हैं, इनको अटैक आ जाता है, ये आवाज से डरते हैं तो इनके कान खराब हो जाते हैं, और ये मर भी सकते हैं। हाँ तो भगाओ ना भाई उनको, आप समझदार बच्चे ना, आपके एरिया के डॉग है, किसका डॉग है पालतू, कोई इसके नीचे पटाखा जला दे, जला दे, यहाँ पर तो जला के देखें, ये खाना आके खाता है, ये आपका है ना, ये हमेशा मेरे कुत्तों को भगा के खिलाता है, पर मैं कुछ कहती नहीं उसको, क्योंकि वो भी बच्चा है, और खाता है उन्हीं को से सुसु कर जाता है। पहले दूर से प्यार करो फिर करो। कालू इसका नाम है बघीरा, ये बघीरा है, आ जा, आ क्यों डरता।
नहीं वो नहीं आता, वो तो आया ही नहीं नजर, वो उधर कहीं छुपा, उसके लिए मेरे को रात को 12-1 बजे आना पड़ेगा। आंटी रोज आते हो? तो देखा नहीं, मैं कल देखूंगा। नहीं या तो लेट भी आती हूँ, जैसे किसी गाड़ी के नीचे मेरे को दिख जाए ना मेरे को। नहीं वो नहीं है हमारे, नहीं ये नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये इनको तो ना बहुत खाना मिलता है, ये जो है ना ये सारे इनको तो बहुत खाना मिलता है, वो ना डर के खाता नहीं है। चल मैं आ जाऊंगी रात को। दिल्ली में पटाखों की ना कोई कमी नहीं हुई, वैसे के वैसे अभी तक चल रहे हैं, आज 3 दिन हो गए पटाखे जलते हुए। ये बच्चा देखो दूध का इंतजार कर रहा है, वो भैया जाते हैं और ला के बाद में दूध देते हैं, तो इसलिए देख खटखटा रहा है, कहीं दूध दे दो। कैसे बच्चे इंतज़ार करते हैं, देखिए ये दूध का वेट कर रहा है, या देख रहा है कि आदमी है या नहीं, दरवाजे पे बैठने देगा नहीं बैठने देगा। बस एक ऐसे मैं देख रही थी तो मैंने एक जगह देखा कि एक डॉग बार हमेशा आता था और वहाँ पर बैठ जाता था, धीरे धीरे कंपनी ने उसे रोज़ देखा, रोज़ आता है, तो उसने उसे वहाँ पर जॉब देने का निश्चय किया और उसको एक आई कार्ड बना दिया और उसको पूरी सुविधाएं दे दी हैं, वो बैठना खाना रहने की जगह। बस इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, दयालुता की कोई कीमत नहीं होती है, अगर सभी यही सोचे ना तो कितना अच्छा हो। रतन टाटा जी की जगह तो कोई नहीं ले सकता, और थोड़ा थोड़ा करके उनको एक सम्मान दे सकता है। अब हमारे यहाँ देखिए ना कितने, ये दूसरी गली के डॉग हैं, यहाँ पर बैठते हैं, 5-7 डॉग आ गए। सोनी सोना कहाँ घूम रही है? लाइटों इन चीज़ों में चलो सजाते कोई बात नहीं, पर आप खर्चा करते हो, पर किसी को एक एक रोटी या एक बिस्किट नहीं दे सकते हो। बच्चे देखो एक रोटी के लिए बैठे हुए हैं, जबकि इनका मैंने पेट भर के खाना खिलाया है, पर इनको आस होती है ना कि और मिल जाए। पूरा दिन में बंदे को 2 टाइम से कहाँ पेट भरता है, 3-4 टाइम तो हम भी खाते हैं ना। अब 2 टाइम मैं दे दूँगी तो अब 2 टाइम से ज़्यादा मैं भी नहीं दे सकती और ना ही मैं जा सकती हूँ, बार बार ना बहुत हो जाता है, 2 टाइम भी करना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।